हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं ग्रैंड लीग जीतने की दूसरी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल है, जिसे आप फॉलो करके आसानी से ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले तो आपसे निवेदन है मेरे की वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको नहीं देखनी है तो अभी आप अभी से स्किप कर दें, अब वीडियो को मत देखें, क्योंकि आप यहाँ छोड़ेंगे किसी और की वीडियो देखेंगे, किसी और को छोड़ के दूसरे की वीडियो देखेंगे। आप बस वीडियो देखते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक कैसे यूज करना है और कैसे ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बना के आपको ग्रैंड लीग जीतना है। तो एक मेरा ये परसों के दिन मैच हुआ था, वनडे मैच वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो मैंने टीम कैसे बनाई थी वो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने 33 की एक लीग लगाई थी, उसमें मेरा 2429 रैंक है नंबर पे, टोटल स्पोर्ट 38,850 थे। तो मेरी टीम, सबसे पहले मैं आपको टीम दिखाता हूँ, इसमें ये मैं आपको ग्रैंड लीग बनाने की कॉम्बिनेशन बता सिखाता हूँ। तो टीम को ओपन करता हूँ, ये देखिए माइकल स्टार्क मेरे वीसी थे और एम मार्स कैप्टन थे। तो माइकल स्टार्क जो परसेंटेज था वो 52.74% था, और पॉइंट इन्होंने कितना दिया था, 182। मेरे को पता था कि माइकल स्टार्क का जो परफॉर्मेंस है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सर्च किया, सर्च करके मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला। उसमें हैजलवुड और माइकल स्टार्क का जो परफॉर्मेंस था और एम मार्स का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपको सबसे पहले, चलिए आप ट्रिक बताता हूँ, मेरी वीडियो ये आप टीम मत देखें, सबसे पहले आप ट्रिक बताता हूँ मैं। करना क्या है आपको, 10 टीम बनाए, 20 टीम बनाए, कितना भी टीम बनाए, आपको मिनिमम 4 या 3, 3 टीम एक प्लेयर को लेकर बनाना है। जैसे कि आप पहले टीम में एक कैरी को कैप्टन बनाएं और वीसी किसको बनाएं, या मास को, जो आपको लगे प्लेयर चलने वाला है उसको ही आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएं। अब मैंने क्या किया, पहले टीम में सेम टीम मेरी यही रहेगी, बस कैप्टन और वाइस कैप्टन अलग रहेगा। तो पहले टीम में कैप्टन रहेगा एक कैरी, वीसी रहेगा एम मार्स, दूसरे टीम में भी कैप्टन ए कैरी रहेंगे और वीसी रहेगा पोलार्ड, ठीक है, ये दूसरी टीम हुई। तीसरी टीम जो हुई उसमें भी ए कैरी रहेंगे और वीसी मेरे जो रहेंगे माइकल स्टार्क। ये तीन प्लेयर, चार प्लेयर हैं जो, ये तीन प्लेयर के पोलार्ड, एम मार्स और एम स्टार्क, ये तीनों प्लेयर को मेरे को भरोसा है कि ये पॉइंट देंगे। तो मैंने 3 टीम बनाई, तीनों में कैप्टन एक कैरी को बनाया और तीनों में अलग अलग कैप्टन वही है और वीसी क्या है, चेंजेस रहेंगे। और इसमें क्या है, एक और पॉइंट की बात है कि वीसी आप अगर इसमें ये पहले में टीम में या मार्स वीसी हैं तो इसमें प्लेयर सेम रहेंगे, और सेकेंड में वीसी अगर पोलार्ड हैं तो यहाँ पे आप एक प्लेयर चेंज करें, जैसे ई लीविस को चेंज कर दें, यहाँ पे आप किसी और प्लेयर को, अच्छे प्लेयर को रख दें जिससे लगे कि आपको वो पॉइंट दे सकता है। और तीसरी टीम में जो है वीसी एम स्टार्क रहेंगे, तो इसमें क्या है, आपको 2 प्लेयर चेंज करने हैं। जैसे पहले में आपने लेविस को चेंज किया, तो लेविस की जगह पर आपने जिस प्लेयर को रखे वो दूसरी टीम में, मतलब तीसरी टीम में भी वही प्लेयर रहेगा, वही प्लेयर रहेगा जो यहाँ पे रहेगा ए लेविस के स्थान पे, और उस पर एक और प्लेयर चेंज करें, जैसे जे हेल होल्डर को हटा दें, वहाँ पे तीसरी टीम में जे हेल होल्डर को हटा दें, वहाँ पे आप दूसरा जो प्लेयर आपको लगे कि और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको आप जे होल्डर के पास रख दें। तो इससे होगा क्या, पहली टीम आपकी फ्लॉप हुई, पहली टीम जो है फ्लॉप हुई, दूसरी टीम फ्लॉप हुई, तो तीसरी टीम जो है
अगर ये कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे चल गए तो इसमें जो दो प्लेयर हैं जो आपके आपने दो प्लेयर चेंज किए हैं, तो इनके स्थान पे जो प्लेयर आएंगे आपने रखे होंगे, अगर उन्होंने पॉइंट दिया, अगर उन्होंने अच्छे खासे पॉइंट दे दिए, 20 20 या 40 या कुछ भी पॉइंट दे दिए, तो आपको क्या होगा कि ये कैप्टन वाइस कैप्टन चले और इन्होंने पॉइंट दिया, और बाकी ने तो पॉइंट दिया ही दिया है, बाकी ने पॉइंट दिया ही, अगर ये दोनों दे दिए तो आप ग्रैंड लीग 100% जीत जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप ग्रैंड लीग आसानी से जीतेंगे। तो ये आपको ऐसे ही टीम बनानी है। अगर आपने तीन टीम एक कैरी को कैप्टन बना के किया, तो तीन टीम आपको क्या करना है, यम मार्स को कैप्टन बना के करना है। तो इसमें आप वीसी जे हेजलवुड को कर दें, वीसी एम स्टार को कर दें, वीसी ए कैरी कर दें, वीसी कर दें पोलार्ड को कर दें, जो 5 6 प्लेयर जो ऐसे होते हैं जो लगता है कि ये परफॉर्मेंस करेंगे, उन्हीं को आप वीसी ट्राई करें, और तीन टीम बनाएं या फिर चार टीम बनाएं। अगर आपको ये चार प्लेयर जो हैं, ये चार प्लेयर लग रहे हैं चलेंगे, तो आप चार टीम में ट्राई करें इन्हें। अगर तीन ही प्लेयर लग रहे हैं तो तीन ही प्लेयर को ट्राई करें और तीन टीम बनाएं, ठीक है। और अगर आपने चार टीम बनाए हैं तो चार में आपको तीन चेंजेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट वैसे ही रहेगा, सेकेंड में लेविस को हटाएं, थर्ड में जे होल्डर और लेविस दोनों को हटाएं, और जो फोर्थ आएगा उसमें तीनों को हटाएं, जे मोहम्मद को भी हटा दें, ये तीनों के जगह पे किसी अच्छे प्लेयर तीन तीन को रख लें, जिनका सेलेक्शन परसेंट बहुत कम होता है और जो लगे कि अच्छा करेंगे और अच्छा खेलते हैं, या फिर इस टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, या इस पिच पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर को इन तीनों के जगह पे रखें, तो आप आसानी से 100% मेरी गारंटी है कि आप ग्रैंड लीग जीतेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये टिप्स फॉलो करें, आप जरूर से जरूर आप ग्रैंड लीग जीतेंगे, आप फॉलो करेंगे ट्रिप तभी आप ग्रैंड लीग जीतेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये बकवास कर रहा है और इसकी खुद की नॉलेज नहीं है, या फिर ये खुद ग्रैंड लीग नहीं जीतता है, तो आप ट्राई करेंगे तो अभी जीतेंगे। मैंने जो मैच लगाए थे इसमें सब में स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप किया है, मैं ज़्यादातर ड्रीम इलेवन पे खेलता नहीं हूँ, बाकी जो साइट है जैसे फैंटाफिट है, माई टीम इलेवन है, इन सब पे मैं स्मॉल लीग खेलता हूँ और उसमें बम्पर क्लीन स्वीप करता हूँ, तो उसमें क्या है कि कंपटीशन लो रहता है और उसमें जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर मैंने ड्रीम इलेवन पे मेरी टीम हार गई तो उसमें मैं माई टीम इलेवन और फैंटाफिट पे मेरे टीम जो है एवरेज स्कोर कर सकती है या फिर क्लीन स्वीप वहाँ पर कर सकती है। तो आप स्मॉल लीग अगर आपको खेलना है और हाई इन्वेस्टर हैं तो फैंटाफिट और माई टीम इलेवन पे खेलें, जिस पे आपको जिस पे आपको लगे कि आप अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं, उसी साइट पे आप उसी ऐप पे खेलें, मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है आपसे कि आप इस ऐप पे खेलें। तो मेरी जो ये टीम थी आपने स्मॉल लीग पे क्लीन स्वीप की थी देखिए, और मैंने ग्रैंड लीग लगाई थी उसमें 2429 नंबर पे आई थी, तो इसमें क्या था, फर्स्ट जो बंदा था उसने किसको ट्राई किया था देखिए, उसका मैं टीम बता रहा हूँ, उसने माइकल स्टार को कैप्टन बना रहा है, तो मैंने माइकल स्टार को कैप्टन मैंने भी बनाने की सोची थी बट मैंने बनाया नहीं, सब मार्स के साथ जा रहे थे तो मैंने मार्स को कैप्टन बनाया, वीसी मेरे को लगा कि स्टार का अच्छा करेगा तो मैंने स्टार को वीसी बना दिया, तो मैंने क्लीन स्वीप कर दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको क्या बताया था मैं कि ए कैरी पोलार्ड मार्स स्टार हेजलवुड जंपा ए इतने प्लेयर मेरी टीम में थे, ड्रीम इलेवन टीम में थे, तो अब मैंने आपको चेंजेस करने के लिए बताया था, तो अब पहली टीम में जैसे मैंने लीविस के जब बोला था किसी अच्छे प्लेयर को तो हेड मार्क में रख ले, हेड
होल्डर की जगह पे मैंने बोला था, तो होल्डर को यहाँ से हटा के अब ए हुसैन को रख सकते थे, बॉलर बॉलर में रख सकते थे। मैं अगर ट्राई करता तो ऐसे ही करता। और तीसरी जो चौथी टीम होती उसमें मैं क्या करता कि यहाँ पे कोटरेल रखा था, कोटरेल के जगह पे ए जोसेफ को रख देता, तो मेरी टीम जो है क्लीन स्वीप, क्या ग्रैंड लीग विद क्लीन स्वीप कर देती। तो ऐसे ही टीम आप बनाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें अच्छे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू। देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।